मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। खुदाम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिले। विश्वास करते हैं प्रभु की कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दया के द्वारा आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आप सब जन हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते होंगे। आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। और हम भी आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। हालेलुया। आपने प्रभु की आराधना करने के द्वारा बड़ी बरकत पाई होगी। अभी परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा प्रचार का जो विषय है, आज का हमारा जो प्रचार का विषय है, वो विषय है आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति। इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, यानी कि इस संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक आत्मिक, दूसरा शारीरिक। और दूसरा शारीरिक। दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उनमें दो तरह के लोग पाए जाते हैं, आत्मिक और शारीरिक। आत्मिक लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो कुछ उनको करने को कहता है वो करते हैं, जो करने से मना करता है, और जो करने से मना करता है वो नहीं करते। उनको कहा जाता है आत्मिक लोग। उनको कहा जाता है आत्मिक लोग। यानी कि इंग्लिश में उनको स्पिरिचुअल पीपल कहा जाता है। और दूसरे हो गए शारीरिक लोग। शारीरिक लोग कौन होते हैं? जो शरीर के चलाए चलते, जो शरीर के चलाए चलते हैं, यानी कि जो संसार के शैतान के चलाए चलते हैं, जो अपनी मन मर्जी से चलते हैं, जो अपनी ही मन मर्जी से चलते हैं, जिनको परमेश्वर से, परमेश्वर के आत्मा से कोई भी ताल्लुक नहीं, उनको कहा जाता है शारीरिक लोग। उनको कहा जाता है शारीरिक लोग। आत्मिक लोग परमेश्वर से होते हैं। आत्मिक लोग जो होते हैं वो परमेश्वर से होते हैं। और शारीरिक लोग संसार से होते हैं, यानी कि शैतान से होते हैं। इस दुनिया में यही दो तरह के लोग पाए जाते हैं। आज समाज में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों? इतनी नफरत क्यों? इतनी बुराइयां क्यों? इतनी परेशानियां क्यों? इतना भ्रष्टाचार क्यों? इतनी गड़बड़ क्यों? इतने दुख क्यों? उन सारे सवालों का एक ही जवाब है। इस समाज में ज्यादातर शारीरिक, यानी कि ज्यादा की जो समाज लोग हैं वो पाए जाते हैं, और संसारिक जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। आत्मिक लोग भी दुनिया में बहुत हैं, पर आत्मिक लोगों की अपेक्षा शारीरिक लोग, संसारिक लोग ज्यादा, यानी कि जो अपने शरीर के चलाए चलते हैं, या जो अपनी ही मनमर्जी के चलाए चलते हैं, यानी कि जो संसार के चलाए चलते हैं, यानी कि जो दुष्ट आत्मा के शैतान के चलाए चलते हैं, जो आत्मिक लोग होते हैं, और जो आत्मिक लोग होते हैं उनमें और शारीरिक लोगों में बहुत फर्क होता है। आज के वचन से हम यही कुछ सीख कर चलेंगे, बाइबल में से सीख करके चलेंगे, आत्मिक लोग और शारीरिक लोगों में क्या फर्क होता है। आत्मिक लोग कौन होते हैं? क्या करते हैं? क्या वो पसंद करते हैं? और क्या वो पसंद नहीं करते? और शारीरिक लोग क्या करते हैं? क्या पसंद करते हैं? क्या वो पसंद नहीं करते? आए हम आज के वचन पहले पढ़ के चले, रोमियो 8 अध्याय उसकी 5 आयत से 9 आयत तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, यानी कि जो कुछ उसका मन कहे,
शारीरिक बातें, संसारिक बातें, संसारिक बातें, जो संसार कहे, जो कुछ उसको संसार कहे, उस पर मन लगाता है, उस पर वो मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। हम आगे जाकर इसको सीख कर चलेंगे। शरीर की बातें कौन कौन सी होती है? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो दूसरी तरह का आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, यानी कि उसको आत्मिक भी बोला जाता है। आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की बातों पर मन लगाता है, जो कुछ परमेश्वर को पसंद है, यानी कि जो कुछ परमेश्वर को पसंद है, जो कुछ परमेश्वर का आत्मा कहता है, वो उनमें मन लगाता है। देखिए, शारीरिक व्यक्ति किस पे मन लगाता है? शरीर की बातों पर, क्योंकि वो उसको अच्छी लगती है। पर आत्मिक व्यक्ति किन पर मन लगाता है? आत्मा की बातों पर, वो उसको अच्छी लगती है। आत्मिक व्यक्ति को शारीरिक बातें अच्छी नहीं लगती, और उसी तरह से शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातें अच्छी नहीं लगती। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए, जो लोग अपने शरीर पर मन लगा के रखते हैं, यानी कि जितने लोग शारीरिक हैं, जो आत्मा के चलाए नहीं चलते, यानी कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो शारीरिक लोग जो शरीर पर मन लगा के रखते हैं, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यानी कि शरीर पर जितना हम मन लगाकर जिंदगी जिएंगे, यानी कि शरीर के मुताबिक जितनी जिंदगी जिएंगे, जो कुछ आपका शरीर कहेगा वही करोगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। समझो आप मृत्यु को ढूंढ रहे हैं, समझो आप अपने नाश को ढूंढ रहे हैं, समझ लो आप शैतान को खुश कर रहे हैं। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो लोग आत्मा पर मन लगाते हैं, आत्मा पर मन लगा के आगे बढ़ते हैं, जो लोग आत्मिक कहलाते हैं, समझ लो आप एक अनंत जीवन के भागी होते जा रहे हैं। समझ लो आप परमेश्वर की शांति के भागी होते जा रहे हैं। दुनिया में शांति भी दो तरह की होती है। एक दुनिया भी शांति दे सकती है, दुनिया की चीजों से भी शांति मिल सकती है, पर वो टेम्परेरी होती है। पर दूसरी तरह की शांति जो है परमेश्वर देता है। परमेश्वर जो हमें शांति देता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है, वो दुनिया संसार नहीं दे सकता। और जो लोग आत्मा पर मन लगाकर आगे बढ़ते हैं, समझ लो वो अपनी शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो परमेश्वर की शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मिक लोगों के जीवन में जो शांति बनेगी, वो शांति और जो शरीर पर मन लगा के जो शांति मिलेगी, शारीरिक लोगों में जो शांति मिलेगी, उसमें फर्क होता है। लोगों की शांति जो है परमानेंट होती है, और जो शारीरिक लोगों की शांति होती है वो टेम्परेरी होती है। थोड़े समय के लिए वो शांति पा लेते हैं, कोई नशा करके शांति पा लेते, कोई गंदी फिल्में देख के शांति पा लेते, कोई कुछ कुछ करके शांति पा लेते, पर वो शांति जो टेम्परेरी होती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जितने लोग शरीर पर मन लगा के आगे बढ़ते हैं, लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। इसका मतलब मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। अगर आप अपने शरीर की मानकर आगे बढ़ते हैं, अपने मन अपने दिमाग की मानकर आगे बढ़ते हैं, यानी कि संसार की मानकर आगे बढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है।
यानी जितना आप शरीर की मनमर्जी से आगे बढ़ेंगे, समझ लो आप परमेश्वर से बैर करते जा रहे हैं, समझ लो आप परमेश्वर से दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शरीर है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं और ना ही वो हो सकता। शरीर एक अलग तरह की जिंदगी जीता है, एक अलग तरह का जीवन जीता है। शरीर की जो है अपनी चॉइसेस है, अपनी ही जिंदगी है जीते हैं, यानी कि शरीर की मान कर आगे बढ़ते हैं, यानी कि संसार की मान कर आगे बढ़ते हैं, यानी कि शैतान की मान कर आगे बढ़ते हैं, यानी कि दुष्ट आत्मा की मान कर आगे बढ़ते हैं। जितने लोग शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं वह परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका मतलब क्या बना? शारीरिक लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं, ऐसे वो अपने जीवन की आदतें रखते हैं, ऐसे वो काम करते हैं, उनके जीवनों से परमेश्वर खुश हो ही नहीं सकता। और शारीरिक लोगों को परमेश्वर की खुशी से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। और शारीरिक लोग जो है परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है तो आप शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में, और आपको आत्मा के मुताबिक ही चलना चाहिए। जब आप आत्मा के मुताबिक चलते हो तभी आप आत्मिक कहलाते हो, और जो शरीर के मुताबिक चलते हैं वो शारीरिक कहलाते हैं। बाइबल में कितने लोग ऐसे थे, हम उसको डिटेल से उसका वर्णन नहीं सीखेंगे। मैं आपको हिंट दे के आगे बढ़ूंगा। कितने लोग ऐसे बाइबल में थे जो आत्मिक तौर पे जीवन जीते थे, जो कुछ परमेश्वर को बढ़िया लगता था वो वही करते थे। परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत आशीष भी दी, यानी कि जो आत्मा के चलाए चलते, यानी कि जो आत्मिक होकर आके चलते थे, परमेश्वर ने उनको बड़ा इस्तेमाल किया। पर जो लोग शरीर के चलाए चलते थे, यानी कि जो लोग शरीर की मान कर आगे बढ़ते थे, बाइबल में उन लोगों का भी जिक्र है। मैं आपको कुछ उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो शरीर की मानकर चलते, उनके शरीर को जो बढ़िया लगा उस तरीके का उन्होंने जीवन जिया, और कई बार अपने जीवनों में कुछ ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उनको सजा भी दी। मैं आपको ब्रीफ में बता के चलूंगा। पहले हम आत्मिक लोगों के बारे में लिखा, देखो उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में लिखा है कितना वो खुदावंत का डर मानकर आत्मिक जीवन जीता था। परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर निर्गुण हम दूसरी किताब में बढ़ते हैं मूसा के बारे में, मूसा कितना आत्मिक बनकर जीवन जीता, बेशक उसके गले की आवाज जो थी ठीक नहीं हुई, परमेश्वर ने उसी को मिस्र देश में भेजा और उसी से इसराइलियों को आजाद करवा के लेकर आया। न्यायियों की किताब में हम पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में, शिमशोन जब तक आत्मिक बनकर जीवन जीता था, यानी कि आत्मिक तौर पे वो आगे बढ़ता था, तब तक उसके पास बड़ी तकड़ी सामर्थ्य थी और कितने बड़े बड़े उसने काम किए। पर जब उसके जीवन में शारीरिकता आ गई, यानी कि वो अपने शरीर की मानने लग गया, उसका चरित्र खराब हो गया। देखिए परमेश्वर ने उसका नाश कर दिया। दाऊद के बारे में अगर हम पहले शमूएल की किताब में पढ़ते हैं, दाऊद कितना आत्मिक बनकर जीवन जीता था। सो उसने हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी करने के अलावा
बाइबल में लिखा है कि इस पाप के सिवा उसने और कोई गलती उसने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर उसके इस पाप से, इस गलती से नाराज तो हुआ और उसको सजा भी दी। यानी कि बाकी सारी बातों में खुदावन से बड़ा डरा करता था, बड़ा आत्मिक बन के चलता था। तभी तो देखो जब पलिश्ती का मुकाबले करने के लिए गया, उसके पास कोई बंदूक कोई तलवार नहीं थी, जो कि पलिश्ती के पास थी। पर दाऊद के पास गोपिया था, पत्थर था। लिखा है कि दाऊद ने एक ही गोपिया चलाया और पलिश्ती गिर के निराश हो गया। ये होती है आत्मिक। उसने आसमान को कहा कि जब तक तुझे मैं ना कहूं तुमने बारिश नहीं करनी, तब तक बारिश नहीं। और जब उसने फिर से प्रार्थना करी, 3.5 साल के बाद फिर से बारिश हुई। वो भी कितना आत्मिक जीवन। अलीशा देखिए, प्रभु का सेवक कितना आत्मिक बनकर जीवन जीता। लिखा है जब उसकी डेथ होगी, उसको जब कब्र में गाड़ दिया गया, एक मुर्दा और जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसको जब उसकी कब्र के साथ गाड़ा जाने था, लिखा है कि उसकी कब्र से टकरा कर वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। ये होती है आत्मिक पावर। राजा हिजकिया के बारे में देखिए, जो कि यशाया में लिखा हुआ है। राजा हिजकिया कितना आत्मिक बनकर जीवन जीता था। जब परमेश्वर ने उसकी मौत का समाचार निकाल दिया, उसने परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहा, किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाया, बस परमेश्वर के सामने रोने लगे। परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ाई। डैनियल को देखिए, कितना आत्मिक जीवन जीता। सिर्फ अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करता था। कितने उसके विरोधी थे वहां पर, पर कोई उसके काम में कमी नहीं निकाल पाया। देखिए उस समय के राजा ने उसको शेरों की मांग में डाल दिया। उसने शेरों की मांग में जाना पसंद किया, पर राजा ने जो ऑर्डर निकाला था कि मेरे सिवा कोई किसी देवता की पूजा नहीं करेगा, पर डैनियल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा ने उसको शेरों की मांग में गिरा दिया। शेरों ने उसको खाया थोड़ा ना था, परमेश्वर ने उसको जिंदा बचाया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, वो भी कितने आत्मिक बनकर जीवन जीते। उस समय राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा, जो मेरी खरी कराई हुई मूर्ति को सजदा नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में गिर दिया जाएगा। और प्रभु के सेवको ने क्या किया, देखिए वो कितने आत्मिक थे। उन्होंने क्या कहा, राजा नबूकदनेस्सर, जिसकी हम भक्ति करते हैं वो हमें तेरी आग से भी बचा सकता है और तेरे से भी बचा सकता है। और अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। राजा नबूकदनेस्सर ने उनको आग में गिरा दिया। आग ने उनको जलाया थोड़ा ना था, राजा ने बाहर बुलाया उनको। जब देखा कि जो वो आग में घूम रहे थे, तीनों के तीनों जब आग में घूम रहे थे, उनके साथ उनका परमेश्वर घूम रहा था। आत्मिक लोगों के साथ परमेश्वर हर समय रहता है। यूसुफ को जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनना था, पहले वो जेल में था। जेल में भी लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। जब डैनियल को शेरों की मांग में गिराया गया, तब भी तो परमेश्वर उसके साथ। आत्मिक लोगों के साथ परमेश्वर हर समय रहता है। यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा, चंद्रमा को कहा रुक जा, वो वही लोग थे। क्यों रुक गए, क्योंकि वो आत्मिक जीवन जीते थे। परमेश्वर ने देखो उनको कितना इस्तेमाल किया। और संत पौलुस के बारे में ऐसा लिखा नहीं है, नए नियम में संत पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, वो कितना आत्मा से भरकर जीवन जीता था। लिखा कि लोग उसके ऊपर रुमाल को छिड़वाते और बीमारों के ऊपर डालते और बीमार चंगे हो जाते। संत पत्रस के बारे में क्या लिखा, संत
उसकी परछाई में लोग बीमारों को डाल देते और बीमार चंगे हो जाते। ये आत्मिक लोगों के पास पावर थी। और शिमशोन जब तक आत्मिक था तकड़ी पावर थी, पर जब उसने अपनी आत्मिकता को छोड़ दिया, यानी कि शरीर के ऊपर मन लगाया, गलत तौर के साथ संबंध बना लिए, परमेश्वर का आत्मा लिखा उसको छोड़ के चला गया, दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी। ये आत्मिक पावर के काम होते हैं। अब देखिए शारीरिक लोगों के बारे में हम देखेंगे। यूसुफ के बारे में हमने देखा कितना वो आत्मिक था, पर उसके भाई कैसे थे? वो शारीरिक थे, वो यूसुफ से चिढ़ा करते थे, कुड़ा करते थे, जलन रखा करते थे। तभी तो उन्होंने इन सारी बातों को अपने मन में रखते हुए यूसुफ को मारा, कूटा, खड्डे में गिरा दिया और उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। ये काम सिर्फ शारीरिक लोग कर सकते, आत्मिक लोग ये काम नहीं कर सकते। अब वो शारीरिक जीवन अगर जीते थे, एक दिन क्या हुआ? देखो परमेश्वर ने यूसुफ को तो प्रधानमंत्री बना दिया, पर उसके भाइयों को देखो भिखारी बना दिया। एक दिन उनके देश में इतना काल पड़ गया, वो भाई अपने जो है यूसुफ के पास जो है अनाज लेने के लिए, मिस्र देश में वो अनाज लेने के लिए गए, यानी कि उसके भाई जो थे शारीरिक थे। अब फिरौन राजा देखिए, फिरौन राजा जो मिस्र का राजा था वो शारीरिक था। मूसा और हारून जब उसके पास गए, उन्होंने तो आत्मिक रीति से बातें की कि मेरे इज़राइल लोगों का आजाद कर, पर जो फिरौन था वो क्या करता था? अपने मन को कठोर कर लेता, उनको वो जाने नहीं देता। परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए वहां पर कितने चमत्कार किए, पर फिर भी उनके मन में कठोरता ही थी। कितने बड़े बड़े उधर मिस्र देश में चमत्कार किए, आखिरकार क्या हुआ उस फिरौन राजा को? देखो लाल समुद्र में जब पहले आगे आगे इज़राइल लोग जा रहे थे, पीछे मिस्री सेना भी जा रही थी, परमेश्वर ने मिस्री इज़राइली लोगों के लिए जो है सड़क जो है उसमें ही बना दी, समुद्र में ही उनके लिए सड़क बना दी। वो तो पार हो गए समुद्र से, पर मिस्रियों को समुद्र में ही नाश कर दिया। एक दिन फिरौन राजा को बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ा। सो आत्मिक लोगों से टक्कर लेना, उनका सामना करना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, उनकी बुराई करना भी बहुत बुरी बात है। अगर हम गिनती 12 अध्याय में देखें, एक मिस्री मरियम होती थी, एक हारून होता था। लिखा है कि मूसा और हारून, जो कि मरियम और हारून ने जो है मूसा की निंदा करी और परमेश्वर को यह बात बहुत बुरी लगी। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे दास की निंदा कैसे कर सकते हो? लिखा है कि मरियम को कोड़ लग गया, परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, उस मरियम को कोड़ लग गया। मरियम ने शारीरिक बातें की, किसी आत्मिक बंदे की बुराई करना, किसी आत्मिक बंदे के खिलाफ चलना भी ये की बहुत बड़ी बुराई है। आत्मिक बंदे पर दोष लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। देखिए परमेश्वर ने मूसा के बारे में क्या, तूने उसकी बुराई कैसे करी? परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके आत्मिक लोगों के खिलाफ बोले, परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगता है। एली के बच्चे जो पहले शमूएल की किताब में लिखा है, वो एली की तरह नहीं चलते थे, वो पाप करते थे, यानी कि वो अपने अंदर शारीरिक बातों को रखते थे, उनका चरित्र भी खराब था। परमेश्वर को यह भी अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन उनको सजा दी, उनका नाश हो गया। एली बेशक उनको रुकता था, पर वो रुकते नहीं थे, यानी कि उसके जो बच्चे थे वो शारीरिक जीवन जीते थे, उनका एक दिन नाश हो गया। मत्ती 19 अध्याय में लिखा है, जब हम नए नियम की किताब में, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया
प्रभु यीशु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा जा मेरी आज्ञाओं का पालन किया कर। उसने कहा कि मैं तो वो सब पहले से ही करता हूँ, अभी भी मुझ में किस बात की घटी? प्रभु यीशु ने कहा अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है, जितना भी तेरे पास सामान है धन दौलत है सबका सब जाके गरीबों को बांट दे। और जो व्यक्ति था वो बड़ा अमीर ध्यानी होता था, उसकी सोच जो थी शारीरिक सोच, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको ऐसा करने के लिए कहा तो उसको बुरा सा लगा, यानी कि उसको बड़ी पुराने नियम में दो राजा की किताब में पांच अध्याय में लिखा हुआ है, अलीशा का एक सेवक घेजी हुआ करता था। अलीशा तो बहुत बढ़िया सेवक था, बड़ा आत्मिक सेवक था, पर उसके साथ जो घेजी रहता था वो थोड़ा सा दुनियावी पॉइंट रखता था। बाइबल में लिखा जब नमान कोड़ी अलीशा के पास आया था, अलीशा ने उसको बोला जा अपने कोड़ को दूर करने के लिए सात बार जो है यर्दन नदी में डुबकी लगा। पहली बार तो उसने बुरा माना, खैर फिर वो गया और यर्दन नदी में डुबकी लगाई, उसका कोड़ ठीक हो गया। फिर वो दोबारा अलीशा के पास आया अलीशा का धन्यवाद करने के लिए या उसको भेंट देने के लिए। अलीशा ने उसकी भेंटों को स्वीकार ना किया, वो कुछ सोना चांदी कुछ वस्त्र ने चीजें दे रहा होगा, अलीशा ने उस लेने के मना कर दिया। नमान जब वापिस जा रहा था तो क्या हुआ, जो अलीशा के पास घेजी रहता था, घेजी ने क्या किया, वो थोड़ा सा शारीरिक बातें अपने अंदर रखता था, उसके अंदर लालच आ गया। उसने कहा मेरे स्वामी ने तो इस नमान कोड़ी को वापिस भेज दिया, मैं उसके पीछे पीछे जाकर उससे कुछ प्राप्त कर लूं। वह नमान के पीछे पीछे भागा गया और उससे चांदी वस्त्र कुछ कुछ ले आया। अलीशा खुदावंत का सच्चा सेवक था, उसने सब कुछ ये घेजी का जब देखा आत्मा में सब कुछ जान गया, उसको ये बढ़िया नहीं लगा। उसने घेजी को थोड़ा डांटा और उसको क्या कहा, नमान का कोड़ अब से तुझे और तेरे घराने को लग जाए जो तूने इस चीज का लालच किया है। और लिखा कि गेजी वहां से चला गया। लालच जो है शारीरिक लोग ही करते हैं, गेजी के अंदर शारीरिक बात आ गई। में होकर भी किसी भी चीज का लालच करते हैं, कोई दुनियावी लोगों का दुनियावी धन प्रॉपर्टी का लालच करते हैं, तो समझो आप शारीरिक हो, शारीरिक बात आपके अंदर, और जब तक शारीरिक बात आपके अंदर रहेगी आप खतरे में जिंदगी जी रहे, समझो आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आत्मिक लोग कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करते, वो सारी बातों के लिए अपने खुदावंद पर डिपेंड रहते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर जब ठीक समझेगा मुझे दे देगा, पर वो किसी चीज का लालच नहीं करते। प्रेरितों के काम में एक हनन्याह और सफीरा के बाद में लिखा है, दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने कुछ जमीन बेची थी, कुछ पैसा उन्होंने घर पे रख दिया और कुछ पैसा वो प्रभु के सेवक के पास ले आए। जब सेवक के पास ले आए, सेवक ने उनसे पूछा, पत्रस ने उनको पूछा, क्या तुम लोगों ने जमीन इतने की बेची जो तुम मेरे पास लेकर आए? उन्होंने कहा हाँ जी हमने इतने की बेची। देखिए अगर वो सच भी बता देते तो क्या इसमें बड़ी बात है कि हमने इतने की बेची थी, इतना पैसा घर पे रखा हुआ है और इतना पैसा हम आपके पास लेकर आए हैं। जब पत्रस ने पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। लिखा कि जब पवित्र आत्मा से उन लोगों ने झूठ बोला, हनन्याह की एकदम डेथ हो गई। फिर उसकी पत्नी सफीरा को बुलाया, सफीरा को भी यही प्रश्न पूछा गया, उसने भी झूठ बोल दिया, कह रही कि हाँ जी इतने की बेची, लेकिन कि उसकी भी डेथ हो गई। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना भी पाप है, आत्मिक लोगों से झूठ बोलना भी पाप है, और शारीरिक लोग ही झूठ बोलते हैं, आत्मिक लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, आत्मिक लोग सच्चाई पे खड़े रहते। देखिए दोनों के दोनों झूठ बोलने के कारण मर गए,
बाइबल में कुछ आत्मिक लोग भी थे, कुछ शारीरिक लोग भी थे, और भी बहुत सारे उदाहरण है, पर ज्यादा की हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम कुछ आयतों पर भी ध्यान दें जो कि हमें आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति बारे बताते हैं, अगर हम रोमियो 8 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें, देखिए उसमें शारीरिक और आत्मिक बारे क्या लिखा हुआ है। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जितने लोग मसीह यीशु के होते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते बल्कि वो आत्मा के अनुसार चलते। शरीर उनको क्या कहता है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, आत्मा उनको क्या कहता है, पवित्र आत्मा उनको क्या कहता है, आत्मिक सेवक उनको क्या कहता है, वचन उनको क्या कहता है, परमेश्वर उनको क्या कहता है, उसके मुताबिक वो चल। हो सकता है इसके लिए उनको कुछ हानि भी उठानी पड़े, पर आत्मिक लोग जो है आत्मा के चलाए चलते हैं और शारीरिक लोग शरीर के चलाए चलते हैं। अगर हम रोमियो 8 अध्याय की 12 आयत से पढ़ें, 12 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ, शरीर की इच्छाओं को खत्म कर दो। शरीर क्या करने को कहता है उसकी मत सुनो। शरीर आपको रोजा रोगना रखने देगा। शरीर कहेगा रोजा मत रख। शरीर कहेगा तुझे भूख लग जाएगी, तुझे प्यास लग जाएगी। शरीर आपको प्रार्थना थोड़ा करने देगा। शरीर आपको सुस्त जीवन देगा। शरीर आपको वचन थोड़ा पढ़ने देगा। शरीर आपको संडे चर्च थोड़ा आने देगा। अब आप ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहे हैं। शरीर आपको ऑनलाइन मैसेज थोड़ा सुनने देगा। आप बीच बीच में आपको उठाएगा, कुछ काम कर ले, ये भी कर ले। शरीर आपके मन को भटकाएगा, क्योंकि प्रभु का दास क्या है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यानी कि जो परमेश्वर को बढ़िया लगता है बलिदान करके चढ़ाओ, कि परमेश्वर मेरा शरीर तेरे लिए इस्तेमाल हो, जो कुछ तू कहेगा मेरा शरीर वही करेगा, और जो कुछ तेरा आत्मा कहेगा मेरा शरीर वही करेगा। तेरा अध्याय उसकी 14 आयत भी पढ़ दीजिए रोमियो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय कतई ना करो। आत्मिक लोगों के लिए ये बात कही गई, शरीर की अभिलाषाओं को कभी भी पूरा ना करो। मैंने जैसे पहले बताया शरीर तो कुछ कुछ करने के लिए कहेगा, शरीर आपको बपतिस्मा लेने से रोकेगा, शरीर आपको प्रभु भोज लेने से रोकेगा, शरीर आपको पवित्रताई का जीवन जीने से रोकेगा, शरीर आपको कई गंदी फिल्में देख ले, गंदे गीत सुन ले, शरीर आपको गलत गलत काम करने के लिए, शरीर आपको कहेगा भाग के शादी करा, माँ बाप से ऊपर होके शादी करा, शरीर आत्मिक लोगों को एक और बात कहेगा, आत्मिक लोगों को क्या बात कहेगा, अन्य जातियों में शादी करा ले, जो लोग मसीह के नहीं है उनमें शादी करा ले, जबकि वचन ऐसा करने से बिल्कुल मना करता है। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो समझो आप शारीरिक हो। अगर हम रोमियो 8 अध्याय की 12 आयत से पढ़ें, सो हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के मुताबिक दिन काटें। शरीर का हमने क्या कुछ देना है,
क्या हम शरीर के कुछ कर्जदार हैं कि जैसे शरीर कहता है वैसे चले? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर आप शरीर के मुताबिक चलोगे, वचन में क्या लिखा, तो तुम मरोगे। मरने का मतलब परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, अनंत जीवन से आप दूर हो जाओगे, और जब आप शरीर के मुताबिक चलोगे तब आप मर जाओगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर आप आत्मा से शरीर की क्रियाओं को खत्म करोगे, यानी कि आत्मा के मसा में इतना बढ़ोगे, शरीर की क्रियाओं को खत्म करोगे, तो जीवित रहोगे, तो तुम जीवित रहोगे। पहला ग्रंथियों 2 अध्याय इसकी 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे, शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति बारे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य क्या नहीं करता? वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको वो बातें अच्छी नहीं। शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की बातें, वचन जो कुछ भी कहेगा वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगेगा, उसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, उसको रोजा रखना अच्छा नहीं लगेगा, उसको पवित्रताई का जीवन अच्छा नहीं लगेगा, उसको संडे चर्च आना अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि जो कुछ प्रभु का आत्मा कहेगा वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और आत्मिक व्यक्ति को शारीरिक व्यक्ति बातें अच्छी नहीं लगेगी। आत्मिक व्यक्ति को निंदा चुगली करना अच्छा नहीं लगेगा। आत्मिक व्यक्ति को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा। आत्मिक व्यक्ति को किसी पर दोष लगाना अच्छा नहीं लगेगा। आत्मिक व्यक्ति को गाली देना अच्छा नहीं लगेगा। आत्मिक व्यक्ति को अपने माँ बाप को पीटना, उनके आगे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, उसको घर से निकालना अच्छा नहीं लगेगा। पर शारीरिक व्यक्ति ये सब कुछ कर लेगा, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। शारीरिक व्यक्ति की दृष्टि में आत्मिक बातें क्या है? मूर्खता की बात। उसके सामने कोई प्रार्थना कर रहा है वो तो कहेगा ये पागल हो गया। उसके सामने कोई वचन पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, वो कहेगा ये तो पागलपन की बात है। अगर आत्मिक लोग उनके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, शारीरिक लोग कहेंगे ये तो मूर्ख हो गए, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अगर संडे को चर्च जाता है, आपके घर में कोई शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति क्या कहेगा? पता नहीं इसको क्या हो गया, संडे को क्या करने का, शाम को 4 बजे आप। शारीरिक व्यक्ति की निगाह में आप में बातें मूर्खता के बराबर है, उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगे। इसलिए शारीरिक व्यक्ति जो है दुनिया को ही खुश करता है, शारीरिक व्यक्ति सिर्फ दुष्ट आत्मा को खुश करता है, शैतान को खुश करता है, अपने मन को खुश रखता है, उसको परमेश्वर की खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उस शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातों का पता ही नहीं चलता, उसको प्रार्थना की वैल्यू नहीं पता, वचन पढ़ने की वैल्यू नहीं पता, उसको संडे चर्च की वैल्यू नहीं पता, उसको आत्मिक लोगों की वैल्यू नहीं पता होगा। अगर हम पहला ग्रंथियों 3 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ें, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, तुम्हारे बीच में अभी तक अगर झगड़े हैं, लड़ाइयां करते हो, एक दूसरे पर दोष लगाते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हो, तो क्या तुम अभी तक शारीरिक नहीं? संत पौलुस उन लोगों को शारीरिक कहता है जो झगड़े करते हैं। आत्मिक लोग जो है झगड़े से बचते हैं, उनको झगड़े करना अच्छा नहीं लगता। अगर उनके पड़ोसी, उनके गली मोहल्ले के लोग उनको कुछ गलत बोलते हैं, वो झगड़े से टलता है, वो 4 बातें सुन लेगा पर 4 बातें सुनाएगा नहीं।
अगर हम 2 कुरिन्थियों 10:4 को पढ़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार जो है दुनियावी नहीं, शारीरिक नहीं, हम शरीर के हथियारों से नहीं लड़ते, हम बंदूक से तलवार से या लाठी से नहीं लड़ते, पर शैतान के गढ़ों को तोड़ देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। यानी कि वो कहना चाहता है कि मैं परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल करूं, जैसे दुनिया के हथियार है वैसे परमेश्वर के भी हथियार है। परमेश्वर के हथियार जो है शैतान के गढ़ों को तोड़ देने के लिए ढा देने के लिए सामर्थ्य है। पहला ग्रंथियों 2:4 को पढ़ दीजिए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। देखिए प्रभु का दास संत पुरुष क्या कहता है, जब मैं वचन देता मैं जब प्रचार करता मेरे वचन में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, कि मैं दुनियावी बातें बोलता कि मैं मीठी मीठी बातें बोलकर आपको खुश करता, जैसे कि आजकल कितने प्रचार करते, कितने प्रचारक ऐसा मीठा मीठा प्रचार करते कि लोग उनसे खुश रहे, लोग कोई टूटने ना पाए, लोग चर्च न छोड़ने पाए। पर प्रभु का दास संत पुरुष मेरे वचन में मेरे प्रचार में लुभावने वाली ज्ञान की बातें नहीं, कि जिससे तुम सब लोग खुश रहो, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पर संत पुरुष क्या कहता है, मेरे प्रचार में आत्मा का और सामर्थ का प्रमाण था, यानी कि मैं जितना भी प्रचार करता आत्मा का सामर्थ का करता, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक प्रचार करेगा और शारीरिक व्यक्ति शरीर का प्रचार करेगा। इस दुनिया में 2 तरह के सेवक हैं, आत्मिक सेवक भी जो तुम पूरी तरह आत्मा के चलाए जाते हैं वो आत्मिक प्रचार करेंगे, और शारीरिक सेवक भी है वो शरीर का प्रचार करेंगे, जो कुछ लोगों को बढ़िया लगेगा वही बोलेंगे, मीठी मीठी बातें बोलेंगे। पर प्रभु दास संत पुरुष क्या कहता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम गलतियों 5:16-17 को पढ़ें। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छा को किसी रीति से पूरा न करोगे। जितना आप आत्मिक बनकर जियोगे शारीरिक अभिलाषाएं जितनी भी हैं आपके ऊपर हावी ना होंगी। जितना आप आत्मिक बनकर चलोगे, जितना आप पवित्र बनकर चलोगे, जितना प्रार्थना करके आगे बढ़ोगे और जितना वचन पढ़ा करोगे, जितना आप रोजे रखा करोगे, जितना आप पवित्रताई में आगे बढ़ोगे, उतना शैतान की बातें कभी आप पर हावी ना होंगी। और कितने मसीह लोग आज भी क्या करते हैं, अगर उनको कोई कुछ बोल दे तो एकदम बड़ा तकड़ा गुस्सा कर उसको मारने को आ जाते, उससे तकड़ा गुस्सा नाराज हो जाते। इसका मतलब क्या कि वो आत्मिक नहीं, मसीह के कहलाते तो हैं पर आत्मा में नहीं चलते, आत्मा जो कुछ कहता है वैसे नहीं चलते। या तो उनको प्रार्थना का जीवन नहीं, या उनका वचन वाला जीवन नहीं, या उनके जीवन में रोजे नहीं, या उनके जीवन में संगति नहीं। उन्हीं के जीवनों में जो है जिंदगी में शरीर जो है हावी होता। और कितने मसीह के लोग रोजे नहीं रख पाते, कहते हम भूखे नहीं रहते। देखिए उनका शरीर जो है उनके ऊपर हावी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शारीरिक काम भी करते, शारीरिक बातें भी करते, शारीरिक बातें वही इंसान करेगा, चुगली बुराई निंदा की बातें वही करेगा,
जो आत्मा में कमजोर है, यानी कि जो आत्मिक नहीं होगा, पर जो आत्मिक होगा कभी भी वो शारीरिक बातें नहीं करेगा। शरीर के काम क्या है, शरीर किन किन चीजों को पसंद करता है? गलतियों 5 अध्याय उसकी 19 साइड से पढ़ दीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। देखिए शरीर किन किन बातों को पसंद करता है, शारीरिक लोग जो है किन किन बातों को पसंद करते हैं? एक तो व्यभिचार को, गलत चरित्र को, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपना, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को पसंद करेंगे, तरह तरह की मूर्तियां बना के उनकी उपासना करेंगे। ये शारीरिक लोगों के काम, आत्मिक लोगों के काम। अच्छा आत्मिक व्यक्ति जो होता है उसके घर में ना तो जीजस की तस्वीर मिलेगी, ना मरियम की मिलेगी, ना चेलो की मिलेगी, क्योंकि ये फोटो सही थोड़ा था, ये तो मन घड़त तस्वीर है। आपको पता होना चाहिए कि इन चेहरों के ऊपर, जीजस के चेहरे के ऊपर किस फिल्मी एक्टर का चेहरा लगा हुआ। शरीर व्यक्ति जो होगा मूर्ति पूजा को पसंद करेगा, फोटो के आगे, जीजस की फोटो के आगे धनपत करेगा। जादू टोना करना शारीरिक लोगों के काम, शारीरिक लोग जादू टोने को पसंद करते हैं, आत्मिक लोग जादू टोने को पसंद नहीं करते, वो कभी हाथ दिखाना भी पसंद नहीं करते। बैर, वो बैर करना, एक दूसरे से बैर करना, पड़ोसी पड़ोसी से बैर, गली मोहल्ले से बैर, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों से बैर, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से बैर। आत्मिक लोग कभी किसी से बैर नहीं करते, शारीरिक लोग बैर रखते हैं। झगड़ा, झगड़ा करना, शारीरिक लोगों को झगड़ा करना अच्छा लगता है पर आत्मिक लोगों को अच्छा नहीं लगता। ईर्ष्या, ईर्ष्या रखना, आत्मिक लोग कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, नफरत नहीं रखते, किसी दूसरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं रखते, किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। पर शारीरिक लोग क्या करते हैं, वो नफरत करते हैं। क्रोध, गुस्सा करना, विरोध, किसी का विरोध करना, आत्मिक लोग कभी किसी का विरोध नहीं करते। अगर उनका कोई काम रुक गया, कोई काम में रुकावट आ गई तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पर आजकल कितने लोग क्या करते हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर देते, सरकार पुलिस के खिलाफ बोलते, पर आत्मिक लोग ऐसा नहीं करते। फूट, फूट डालना, विधर्म, विधर्म पर चलना, दाह, मतवालापन, ढा करना, मतवाला पर रखना, ये हो गए शरीर के काम। 5 अध्याय 24 साइज को पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रॉस पर चढ़ा दिया है। देखिए जो मसीह यीशु के बन गए, यानी कि जो आत्मिक बन गए, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया, शरीर के अभिलाषों को क्रॉस पे चढ़ा दिया, शरीर के अभिलाषों को पूरा नहीं करते, शरीर के अभिलाषों को उन्होंने पीछे कर दिया, उन्होंने आत्मा की अभिलाषाओं को नहीं किया। 6 अध्याय 8 आयत में लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर है और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा है। अगर आप शरीर के लिए काम करोगे तो समझो आप शरीर हो, अगर आप आत्मा के लिए काम करोगे तो समझो आप आत्मा हो। पर जो आत्मिक इंसान होता है, आत्मिक इंसान तरक्की तो करता ही करता है, आत्मिक तौर पे तो वो तरक्की करता ही करता है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 आयत में लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर चाहता है मसीह के लोगों पहले आप आत्मिकता में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, वचन पढ़ने में बढ़ो, रोजे में बढ़ो, संगत में बढ़ो, कभी संडे चर्च मिस ना करो। अभी तो चलो लॉकडाउन है, धीरे धीरे धार्मिक स्थल खुलते जा रहे हैं, पर अभी पहले की तरह नहीं खुलेंगे।
जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाए, चर्च लगना शुरू हो जाए, उसके बाद कभी संडे चर्च मिस ना करो, बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लो, अगर प्रभु भोज नहीं लेते तो प्रभु भोजे, अपने सेवकों की आज्ञाकारी रहो और अपने एक चर्च के प्रति वफादार, कभी भी अपने चर्च को छोड़ो ना। कितने लोग क्या करते हैं, एक साल इस चर्च में, दूसरे साल उस चर्च में, कोई चमत्कार करने वाला बड़ा सा पास्टर आ गया, अपने चर्च को छोड़ दो। आत्मिक लोग ऐसा नहीं, शारीरिक लोग ऐसा करते, कितने मसीह लोग ऐसे करते, कितने मसीह लोगों में भी शारीरिक लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं, छोटी सी बात के लिए वो चर्च छोड़ देते हैं, जब उनका कोई काम नहीं हुआ चलो उस चर्च में चले जाओ। अब हम सीख कर चलेंगे आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति में अंतर क्या है, कितनी बातों में हमने सीखा, अभी हम कुछ अंतर और सीख कर। आत्मिक व्यक्ति जो होते हैं पवित्र आत्मा के चलाई चलते हैं, जो कुछ उनको पवित्र आत्मा कहता है वो करते हैं, उनको किसी भी दुनिया की बात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। पर जो शारीरिक लोग हैं वो शरीर के चलाए चलते, अपने मन के चलाए चलते, संसार के चलाए चलते, यानी कि शैतान के चलाए चलते, उनको पवित्र आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा फर्क क्या है, आत्मिक लोग अपने परमेश्वर को खुश रखते हैं, उनको सिर्फ अपने प्रभु को खुश रखने से कि मेरे कामों से मेरी बातों से सिर्फ मेरा परमेश्वर खुश रहे। और शारीरिक लोग क्या करते, ये लोग अपने मन को खुश रखते, ये दुनिया को खुश रखते, इनको परमेश्वर की खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। तीसरा अंतर क्या है, आत्मिक लोग जो होते हैं दुखों में संकटों में स्थिर रहते हैं, कितनी भी उनके ऊपर अजमाइश आ जाए, अय्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं, अय्यूब के ऊपर कितनी अजमाइश आई, अय्यूब के बेटे बेटियों की डेथ हो गई, उसका शरीर खुद का कितना फोड़े फिंसी से भर गया, पर वचन में लिखा उसने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर को कुछ भी गलत नहीं। आत्मिक लोग जो होते हैं दुखों में संकटों में स्थिर रहते, पर शारीरिक लोग क्या करते, ऐसे समय में जब संकट कोई अजमाइश आती है वो हिम्मत हार जाते हैं, उनका विश्वास गिर जाता है, इधर उधर भटकने लग जाते हैं, इधर उधर कोई उपाय नहीं आता, उनको ड्यूटी मिली उनके पास पैसा आया, उनके पास गाड़ी आई, उनके बच्चों के रिश्ते हुए, उनके बच्चे विदेश गए, ये परमेश्वर की तरफ से होगा और वो भी स्थायी होगा। पर शारीरिक लोगों को जो बरकतें मिलती है, शारीरिक लोगों को घर तो मिलते हैं, उनको भी कारोबार मिलते हैं, उनको भी ड्यूटीज मिलती हैं, उनकी भी कोठियां बनती हैं, उनके बच्चे विदेश जाते हैं, पर वो सब कुछ शैतान की तरफ से मिलता है, संसार की तरफ से मिलता है, और वो स्थाई नहीं होता, अस्थाई होता, यानी कि टेम्परेरी होता। याद रखिए आत्मिक लोगों की आशीष कभी छीनी नहीं जाएंगी, पर जो शैतानिक लोग शारीरिक लोग उनकी आशीष कभी भी खत्म हो सकती है। पांचवा फर्क क्या है, आत्मिक लोग जो होते हैं हर समय हर अपने कामों में परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते हैं, उनका कोई काम हुआ चाहे रुका परमेश्वर की तरफ ताकते हैं। पहले समय में लिखा कि हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, बाइबल में लिखा नहीं कि उसने को दुनियावी इलाज करे, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं। एक दिन परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना और परमेश्वर ने एक दिन उसको एक नहीं बल्कि कई बच्चे दिए। पर शारीरिक लोग क्या करते हैं, वो खुदावंद पर भरोसा नहीं रखते, वो अपने धन पर भरोसा रखते, अपनी ताकत पर भरोसा रखते, दुनियावी लोगों पर भरोसा रखते, दुनियावी अप्रोच पर भरोसा रखते, पर आत्मिक लोग सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखते। छठा फर्क क्या है, आत्मिक लोग आत्मिक बातों पर आत्मिक कामों पर ही रुचि रखते हैं, आत्मिक लोगों में रुचि रखते हैं,
उनको दुनियावी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, वो प्रेम सभी से करते हैं, नफरत किसी से नहीं करते, पर ज्यादा वो इस ताक में रहते हैं कि आत्मिक बातें ही की जाए, आत्मिक काम ही की जाए, आत्मिक लोगों से प्रेम रखा जाए ताकि परमेश्वर उनसे की जाए, पर शारीरिक लोग क्या करते हैं, शारीरिक बातों पर रुचि रखते हैं, शारीरिक कामों पर रुचि रखते हैं, संसारिक लोगों पर रुचि रखते हैं, उनको ऐसे लोग पसंद होते हैं जो नशा करते हैं, ऐसे लोग पसंद होते हैं जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग पसंद होते हैं जो चुगली करते हैं, ऐसे लोग पसंद है जो निंदा चुगली करते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत से अपने काम करवाते हैं, पर आत्मिक लोग ऐसे नहीं, आत्मिक लोग आत्मिक ही बात करते हैं, आत्मिक काम करते हैं, आत्मिक लोग उनको अच्छे लगे, सातवां फर्क, आत्मिक लोग जो है मेडिटेशन पर भरोसा रखते हैं, यानी कि भक्ति पर प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, जब भी उनको कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, पर शारीरिक लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन पर भरोसा रखते हैं, यानी कि बीमारी आ गई एकदम दवाई ले लो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चल जाओ, किसी डॉक्टर से आराम नहीं मिला दूसरे डॉक्टर पे चले जाओ, इधर से नहीं तो दूसरी तरफ चले जाओ, पर आत्मिक लोग ऐसा नहीं करते। राजा हिजकिय्याह की जब मौत का ऑर्डर आ गया, उसने सिर्फ परमेश्वर को ढूंढा, राजा यहोशापात के ऊपर जो देशों ने हमला कर दिया, उसने सिर्फ परमेश्वर को ढूंढा, उसने अपनी सेना को त्याग नहीं, किसी दूसरे देश को नहीं कहा कि मेरी मदद करो। आठवां फर्क क्या, आत्मिक लोग दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया उनके जीवन से प्रसन्न नहीं हो, और शारीरिक लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मिक लोगों का जीवन जो होता है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, रोजे रखने वाला, जो परमेश्वर के वचनों पर चलना, सच्चाई के राह पर चलना, झूठ पे ना चलना, पर शारीरिक लोग झूठ को पसंद करते हैं, शारीरिक लोग सच को पसंद नहीं करते। नौवां फर्क क्या, आत्मिक लोग जो होते हैं अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पित करते हैं कि मेरा शरीर पर मुझे तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए, और जो कुछ तू कहे मेरा शरीर वो करेगा। देख, पर दूसरे शारीरिक लोग क्या करते हैं, वो अपने शरीर को अपने ही लिए इस्तेमाल करते हैं, जो है कि ये दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक लोगों का अगर गड़िया गला बढ़िया है, मैं सभी की बात नहीं करता, पर कुछ शारीरिक लोग कैसे हो, अगर उनका गला बढ़िया है, चलो फिल्मी गीतों की ट्रेनिंग कर लो, पर मसीह लोग ऐसा नहीं, आत्मिक लोग ऐसा नहीं करते। अगर आत्मिक लोगों की आवाज बढ़िया है तो वो आत्मिक गीतों में ही बढ़ेंगे, आत्मिक प्रचार में तो आगे बढ़ेंगे, पर दुनिया भी गीत नहीं गाएंगे। पर दुनिया के लोग क्या करते हैं, दुनियावी गीतों को पसंद करते हैं, आत्मिक लोग कभी दुनियावी गीतों पर डांस नहीं करते, पर शारीरिक लोग उन पर डांस करना पसंद करते हैं। दसवां फर्क क्या है, आत्मिक लोग जो होते हैं अपने शरीर के अभिलाषों को क्रॉस पे कुर्बान कर देते हैं, उनको अपने शरीर की इच्छाओं से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आत्मा की इच्छा से ताल्लुक होता है। पर शारीरिक लोग क्या करते हैं, वो शरीर के अभिलाषाओं को हर कीमत में पूरा करते हैं, उनकी आंखों ने कहा गंदी फिल्म देखो, वो जोर देखेंगे, उनके कानों ने कहा गंदे गीत सुनेंगे, वो गंदे गीत जोर सुनेंगे, उनके मुंह ने कहा कि रोजा मत रख रोटी खा ले, वो जोर खाएंगे, उनके टांगों ने कहा गंदे गीतों पर डांस कर ले, वो जरूर डांस करेंगे, उनके शरीर ने कहा रिश्वत ले, दो नंबर का पैसा कमा, वो जोर करेंगे, उनके शरीर ने कहा धरना प्रदर्शित कर, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर, वो जरूर करेंगे। पर आत्मिक लोग ऐसा नहीं, आत्मिक लोग जो है अपनी शारीरिक अभिलाषों को क्रॉस पे चढ़ा देते हैं। ग्यारहवां फर्क क्या है, आत्मिक लोग जो है दुनियावी बुराइयों से बच कर रहते हैं, उनको दुनिया की बुराई से कोई भी ताल्लुक नहीं, जैसे लड़ाई झगड़े करना, निंदा चुगली करना, गाली देना,
झूठ बोलना, किसी पर दोष लगाना, घमंड करना, किसी को लूटना, किसी से हेरा फेरी करना, आप भी लोग इन बातों से दूर रहते हैं, पर शारीरिक लोग इन बातों में ही फंसे रहते हैं। शारीरिक लोगों की एक गुण है, वो लड़ाई झगड़े को पसंद करते हैं, निंदा चुगली को पसंद करते हैं, गाली देना पसंद करते हैं, झूठ बोलना पसंद करते हैं, घमंड करना पसंद करते हैं, किसी को नीचा दिखाना पसंद करेंगे। बार में फर्क क्या है? आत्मिक लोगों की लड़ाई के हथियार आत्मिक ही, जैसे कि बाइबल में फिलिपियों 6 अध्याय में दिया गया है, उसमें लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आत्मिक लोगों के हथियार जो होते हैं आत्मिक होते हैं। आत्मिक लोग कभी भी अपना जो मुकाबला होता है कभी भी दुनियावी चीजों से, दुनियावी लाठी से, तलवार से, बंदूक से नहीं करते। पर दुनिया के लोग क्या करते हैं? शारीरिक लोग क्या करते हैं? उनकी लड़ाई के हथियार जो संसारिक होते हैं। अगर उन्होंने किसी को मारना है, कत्ल करना है, एकदम से बंदूक लेकर छोटी छोटी बातों पर किसी का कत्ल कर देना, थप्पड़ मार देना, पटाई कर देना, और किसी के ऊपर तलवार चला देना, झूठा केस कर देना, झूठा जेल में बंद कर देना। पर आत्मिक लोग ऐसे नहीं। आत्मिक लोग कभी किसी के ऊपर झूठा केस करना पसंद नहीं करते। वो दुनिया के कोर्ट कचहरी से दूर रहते हैं। बस वो आत्मिक हथियारों को अपनाते हैं, जैसे एफिसियों 6 में सत्य के साथ अपनी कमर को कसके रखते हैं, विश्वास की ढाल लेकर चलते हैं, आत्मा की तलवार लेकर चलते, धार्मिकता की झिलम पहनकर चलते, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यानी कि वो आत्मिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, इन चीजों से वो शैतान का मुकाबला करते हैं। 13वां फर्क क्या है? ये आत्मिक लोग केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उनको उनका सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। जैसे शद्रक मेशक बारे में मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने राजा को खोल के बता दिया कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को सजदा ना करें, हम सिर्फ अपने एक ही परमेश्वर के आगे सजदा करें। यानी कि आत्मिक लोगों का अपने एक ही परमेश्वर पर भरोसा होता है। जो शारीरिक लोग क्या कहते हैं? भगवान एक, रूप अनेक, उनका ऐसा विश्वास होता है। 14वां फर्क क्या है? आत्मिक लोग जो होते हैं दुनिया के गलत कामों के साथ समझौता नहीं करते, उनको चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े पर गलत काम में समझौता नहीं करते। पर शारीरिक लोग कैसे होते हैं? वो लोग कभी भी किसी भी जगह किसी के साथ गलत कामों में समझौता कर लेते हैं। बस उनका अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, उनको कहीं रिश्वत लेनी देनी पड़ जाए, उनको कहीं भी झुकना पड़ जाए, उनको कहीं भी झूठ बोलना पड़ जाए, किसी पर दोष लगाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, वो समझौता सब बातें कर लेते हैं। पर आत्मिक लोग ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ अपने एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हर समस्या में प्रभु पर ही भरोसा रखते हैं। 14वां फर्क क्या है? 15वां फर्क क्या है? आत्मिक लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जीवित ही बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा बादलों पर आएगा, जब कलीसिया का रैप्चर होगा, यानी कि कलीसिया जब उठाई जाएगी, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जमीन पर नहीं आएंगे, बादलों पर आएंगे। तब आत्मिक लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसके बाद 7 साल का जो महाकलेश होगा उसमें नहीं गुजरेंगे आत्मिक लोग। पर शारीरिक लोग, कलीसिया जब उठाई जाएगी, पवित्र लोग जब उठा लिए जाएंगे, वो दूसरे दुनियावी संसारिक लोग जो है पृथ्वी पर रह जाएंगे और उनको इस 7 साल के महाकलेश में से गुजरना पड़ेगा। आत्मिक लोगों का आत्मिक बनकर जीवन जीते, आपको 7 साल के महाकलेश में नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको उससे पहले उठा कर ले जाएंगे।
हैं पर जो शारीरिक तौर पर जिंदगी जीते हैं उनको 7 साल के महाकलेश से गुजरना पड़ेगा। उस समय इतने संकट होगा, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें होंगी, कितनी दुनिया मर जाएगी, कितनी बीमारियां होंगी, कितना स्टाफ होगा, पर आत्मिक लोग पहले ही उठा लिए जाएंगे। ये था आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति में फर्क। किसी भी व्यक्ति की बातों से, उसके कामों से, उसके चाल-चलन से जान सकते हैं आत्मिक व्यक्ति को। यानी किसी व्यक्ति की बातों से, उसके कामों से, उसके चाल-चलन से आप देख सकते हैं, इरादा लगा सकते हैं कि वो आत्मिक है या शारीरिक तौर पे चलता है। आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति का उनकी बातों से, उनके कामों से पता चल जाता है। कैसे काम करता है उससे पता चल जाता है, उसके चाल चलन से पता चल जाता है। आत्मिक व्यक्ति की नजरों में शारीरिक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, उसको शारीरिक व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, उसके काम करने का ढंग, उसकी आदतें, उसकी जो है बातें, आत्मिक व्यक्ति पर उससे नफरत नहीं करेगा। पर शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, कि उसके काम, उसकी आदतें, उसके काम, उसको बातें, उसको अच्छी लगेगी। पर आत्मिक लोग के काम सब परमेश्वर अपने हाथों में लेकर संपन्न करेगा। जब अगर आप आत्मिक जीवन जीते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके सब कामों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर पूरा करेगा। आपका घर नहीं बना, आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हुआ, आपका कोर्ट केस चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ, आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, आपका काम ठीक नहीं है, किसी भी बात की चिंता, आपके सब कामों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर चलाएगा। आत्मिक लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर जल्दी सुनता है, पर शारीरिक लोगों की बातें, प्रार्थनाएं जो होती है वो निष्फल ही रह जाती है। और कितने लोग दुनिया में, जो दुनिया में जीवन जीते हैं, वो भी प्रार्थना तो करते हैं जब कोई संकट आता है, पर उनकी प्रार्थनाएं जो निष्फल रह जाती है, उनकी प्रार्थनाएं सुनता नहीं परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, और लिखा है कि जो कोई उसका भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, परमेश्वर उसकी सुनकर चलता है। सही आत्मिक व्यक्ति में दुनिया जो है परमेश्वर को उसमें महसूस करती है, यानी कि आत्मिक व्यक्ति में, आत्मिक व्यक्ति के चेहरे से दुनिया महसूस करेगी कि इसमें परमेश्वर वास करता है, यानी कि उस दुनियावी व्यक्ति को, पर आत्मिक व्यक्ति को मिलकर, उससे देखकर, उससे बातचीत करके खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। पर शारीरिक व्यक्ति को जब लोग देखते हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आत्मिक व्यक्ति के आशीर्वाद से परमेश्वर की बरकत आती है, परमेश्वर की खुशी आती है। जिस भी बंदे को आत्मिक व्यक्ति जो है आशीर्वाद देता है, उसके घर में परमेश्वर की आशीष आती है। पर शारीरिक व्यक्ति के आशीर्वाद से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आत्मिकता में मजबूत बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना किया करो, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की संगत में रहा करो, ज्यादा से ज्यादा पवित्र जीवन जिया करो। जितने आप आत्मिकता में बढ़ोगे, परमेश्वर आपकी नजदीकी में आएगा। पर जितने आप प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, वचन कम पढ़ोगे, रोजे कम रखोगे, पवित्र जिंदगी कम जियोगे, समझो आप शारीरिक व्यक्ति बनते। जैसे मैंने बताया कि शिमशोन जब तक इन चीजों में तेज था, उसके पास तकड़ी सामर्थ्य थी, पर जब वो इन चीजों में कमजोर पड़ गया, उसका चरित्र खराब हो गया, लिखा कि दुश्मनों ने उसका नाश कर दिया। आत्मिक व्यक्ति इन चीजों में मजबूत होता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आज दुनिया में ज्यादातर शारीरिक लोग रहते हैं, इसलिए दुनिया में ज्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ज्यादा व्यभिचार का बोलबाला है, ज्यादा मूर्ति पूजा का बोलबाला है, और ज्यादा उन्हीं लोगों को पूछा जाता है, वही लोग ज्यादा जीत जाते हैं सब कामों में। आत्मिक लोग दुनिया में है तो है, पर बहुत कम।
जिस तरीके से आत्मा से चलने वाले लोग होने चाहिए उस तरीके के लोग नहीं होते। हालेलुया। प्रभु से इसी समय प्रार्थना, प्रभु जी मैं आत्मिक बनना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मा के चलाई चलना चाहता हूँ, और जो कुछ तेरा आत्मा कहता है मैं उसी तरीके से चलना चाहता हूँ। मुझे प्रभु जी आत्मिक बना ताकि मैं तेरे साथ आकाश में बादलों में उठा लिया जाऊं। प्रभु जी मुझे दुनिया की खुशी से कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया की बातों से, दुनिया से कामों से कोई ताल्लुक नहीं। प्रभु जी मुझे सिर्फ आपकी खुशी से ताल्लुक है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद आज आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आज प्रभु भोज के लिए थोड़ा समय होगा, उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। अकेले के लिए आज प्रार्थना नहीं किसी का, वो प्रार्थना सिर्फ अकेले के लिए वाली जो है सिर्फ थर्सडे के दिन किया करेंगे। आज हम जो है प्रभु भोज के लिए इससे पहले प्रार्थना करें। अगर आपने हाथों में अपनी रोटी और ब्रेड ले रखी है, साफ हाथों से उसको एक प्लेट मिले, दाखों का रस या अंगूरों का रस या आपने कुछ भी शरबत लिया हुआ है उसको एक शुद्ध गिलास मिले, तो अभी हम आपके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए आपके हाथ शुद्ध होने चाहिए। जो प्रार्थना करनी है उस समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, और जब हम लास्ट प्रार्थना करेंगे उसके बाद आपने प्रभु भोज लेना है। आइए अब अपने हाथों में ले लीजिए। अगर आपने अपने घर में ऐसी कोई तैयारी नहीं करी, आप प्रे टाइम में 2:30 बजे के आसपास आके ले सकते हैं। याद रखिए इकट्ठे नहीं आना, सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कल 8 तारीख को जो है धार्मिक स्थान खुलने का निर्देश जो दिए गए हैं, उनकी गाइडलाइंस में ये नहीं दिया गया कि हजार के हजार लोग जैसे पहले चर्चेस में इकट्ठे होते थे, धार्मिक स्थान में इकट्ठे होते थे, वैसे इकट्ठे ही जाया करेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 20 लोग ही एक मिनट में इकट्ठे हो सकते हैं। सो आपके लिए कोई मैट बिछाना चर्च में जरूरी नहीं, उसके लिए सरकार ने मना किया। सरकार ने कहा है अगर कोई धार्मिक स्थान में जाना चाहते हैं अपनी चटाई या अपनी चादर खुद लेकर जाए। So, उसका भी टाइम फिक्स किया गया, कोई आधा घंटा अगर जाना चाहता है चर्च बैठ सकता है। और भी काफी कंडीशंस जो है सरकार द्वारा दी गई है। जब आप गेट पे आएंगे तो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, फिर आपके आपको अंदर आने दिया जाए, और फिर भी काफी फुट की दूरी पे आपको रहना पड़ेगा। सो इस तरीके से अभी हम इन कंडीशंस के मुताबिक अभी चर्च नहीं लगा पाएंगे। जब तक ये कोरोना का कहर चल रहा है, आप सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्दी इस चीज को, तब तक हमारी ऑनलाइन जो वर्षिप इसी रीति से चलती रहेगी, और प्रभु भोज भी महीने के पहले संडे ही ऐसे होता रहेगा। संडे की ऑनलाइन सर्विस का टाइम दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के लगभग, और वीरवार का जो टाइम 6 बजे रखा गया है वही होगा। जो सिंगल सिंगल प्रार्थना करने का वो सिर्फ वीरवार के दिन ही होगा। संडे के दिन वचन खत्म करके हम लास्ट प्रार्थना ही किया करेंगे। पहले अभी हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोगों ने अपने अपने घरों में प्रभु भोज के सामान को अपने हाथों में ले रखा है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज की ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपने अपने मधुर वचनों के द्वारा, अपने दास दासी के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। छोटे थे पिता परमेश्वर, आपके लोग इस वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन गए, ताकि सभी के सभी आत्मिक बनकर जीवन जिए, और जो कुछ आपका आत्मा कहता है उसी रीति से चलते जाए। पिता पिता परमेश्वर, जितने भी संसार में शारीरिक लोग हैं उनको भी आत्मिक बना दे, ताकि वो सब आत्मिक बनकर जीवन जीते जाए। और
पिता परमेश्वर दुआ करते हैं जितने भी लोगों ने प्रभु भोज के तौर पे अपने हाथों में लिक्विड ले रखा है, रोटी के तौर पे ब्रेड ले रखी है, कुछ भी ले रखा है बिना, आपके बेटे यीशु के नाम में दुआ करते हैं, उस भोजन सामग्री को खुद अपने यीशु के लहू के द्वारा मसा कर दीजिए, ताकि उस लिक्विड को जब आपके बेटे यीशु का लहू समझकर ग्रहण करते हैं इनको बड़ी बरकत मिले बेटा। जब खुदावंद उस ब्रेड या रोटी को आपकी देह समझकर ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम में इनको बरकत मिले बेटा, इनके शरीर आपके बेटे यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जितने भी आपके लोगों ने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा ले रखा है, जब वो इस प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं, इन सबको बड़ी बरकत देना, इन सबको और ज्यादा अपने वचनों पर चलने का फजल देना। जब पिता परमेश्वर लॉकडाउन के बाद चर्चेस खुलेंगे, इन सबको आपकी संगत में आने का फजल देना, हर रोज इनको प्रार्थना में वचन में बढ़ाना, रोजे में बढ़ाना, पवित्र जीवन में बढ़ाना, ताकि आपके आत्मा का अभिषेक इनमें बढ़ता जाए, और दुनिया इनको देखकर कहीं ये आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर का डर मानने वाले लोग हैं, इनकी बातें इनके काम करने का तरीका ऐसा बन जाए, इनका चाल चलन ऐसा हो जाए, ताकि दुनिया के लोग देखकर इनको आशीषित हो जाए, और कोई भी शारीरिक लोग जब इनको देखे खुद बदल जाए, और खुद हम शारीरिक लोगों को बदलकर आत्मिक लोग बना दो बेटा, अपनी सारी संगत को बड़ी बरकत दो बेटा, प्रेटा की पूरी कलीसिया में सुख शांति दो बेटा, हमारे गली मोहल्ले लुधियाना में पूरी कलीसिया में सुख शांति दो बेटा, पूरे लुधियाना पूरे पंजाब में सुख शांति दो बेटा, प्रभु यीशु के नाम में हमारे पूरे भारतवर्ष को आशीष दो बेटा, प्रभु यीशु के नाम में पूरी दुनिया में सुख शांति दो बेटा, तो पिता परमेश्वर दुनिया में कितना कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग अभी भी पीड़ित है, बेशक पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ा है, दुनिया में बुराई बढ़ी है, दुनिया में नफरत बढ़ी है, दुनिया में व्यभिचार बढ़ा है, जो आपको अच्छा नहीं लगता प्रभु, पर पिता परमेश्वर फिर भी ये लोग, ये जनता, ये प्रजा आप ही की रजी हुई है पिता, आप इन सबको क्षमा कर सके दो, सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को क्षमा कर दो पिता, सारे पंजाब, सारे लुधियाना को आप क्षमा कर दो पिता, ताकि ये बीमारी एकदम खत्म हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में इसको एक बार वापिस बुला लो पिता, सारी दुनिया में फिर से एक बार सुख शांति हो जाए, सब संसार में पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म होके एक बार फिर से चर्चेस खुल जाए, सब लोग फिर खुदावन फिर से अपने धार्मिक स्थानों में जाने शुरू कर दे बेटा, तेरी कृपा तेरी सारी दुनिया के ऊपर, सब कलीसियाओं के ऊपर तेरी दया चाहते, तेरे दास दासी जहां भी तेरी सेवकाई में लगे उन सुबहताए से इस्तेमाल करना, सब जगह पर खुशियां बरकते भी, अगर किसी का प्रार्थना का कोई निवेदन है तो खुद हम यीशु के नाम में उनका निवेदन सुन लो, सिर से लेकर पांव की तल तक कोई भी इनकी बीमारी हो खुद हम यीशु के नाम में चली जा रहे, सारा जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द खुद हम यीशु के नाम में निकल जा रहे, सब प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर परेशानी डालने वाली दुष्ट आत्मा खुद हम यीशु के नाम में दूर हो जाए, हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को बरकत दो बेटा, और ज्यादा हमें सच्चाई से वफादारी से आपकी सेवकाई करने का फजल दे, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा हो वीरवार को फिर से ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने का फजल देना, धन्यवाद प्रभु जी दुआ को सुनने के लिए, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको आशीष, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। अभी आप प्रभु भोज जो है जो आपके हाथों में है, जिसके लिए प्रार्थना कर दी गई है, आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।